हेलो और वेलकम टू आसान है एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 और 2017 में जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 को अमेंड किया गया था उससे रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देख लेते हैं, जो हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है ये अप्लाई करता है टू एस्टेब्लिशमेंट इंप्लॉइंग 10 आर मोर पर्सन्स इन फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, शॉप्स, एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एंटिटीज। सो हमारा जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है वो अप्लाई करता है टू एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा लोग इंप्लॉय किए गए हों इन फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एंटिटीज। और द मेन पर्पज ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 क्या है, इज टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट फॉर सर्टेन पीरियड बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड टू प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट एंड सर्टेन अदर बेनिफिट्स। सो इस एक्ट का जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 है इसका मेन पर्पस क्या है, रेगुलेट करना एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट जब एक वुमेन प्रेग्नेंट है उसके कुछ महीने पहले और कुछ महीने बाद तक उसको किस प्रकार की सर्विस और किस प्रकार की बेनिफिट्स उसको मिलनी चाहिए जब वो एक चाइल्ड को डिलीवर करने जा रही है। ओके, बट रिसेंटली अभी जो एक्ट है हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 वाज अमेंडेड थ्रू द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017 जिसमें इनक्रीज किया गया है पेड मैटरनिटी लीव ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज फ्रॉम 12 वीक्स टू 26 वीक्स। ओके, सो 2017 में मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है जिसके द्वारा पहले हमें 12 वीक्स की पेड लीव मिलती थी हमारे वर्किंग वुमेन्स को, लेकिन अब उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, 26 वीक। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आप याद रखिएगा कि जो मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 है इसने इंक्रीज कर दिया है द पेड मैटरनिटी लीव ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज फ्रॉम 12 वीक्स टू 26 वीक। ओके, सो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन इज गुड इन पब्लिक सेक्टर, देर आर रिपोर्ट्स दैट इट इज पुअर इन द प्राइवेट सेक्टर एंड कॉन्ट्रैक्ट जॉब। सो ये फाउंड किया गया कि ये जो प्रोविजन है हमारा 12 वीक्स टू 26 वीक इंक्रीज किया गया है इसकी वजह से पब्लिक सेक्टर में तो इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है, लेकिन जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स के जॉब हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट के जॉब हैं वो थोड़ा रिलक्टेंट हैं टू एम्प्लॉय द वुमेन। और वहाँ पे एक वाइड परसेप्शन है प्राइवेट एंटिटीज़ की कि अगर हम वुमेन्स को हायर करते हैं तो हमें उनको एम्प्लॉय करना पड़ेगा फॉर 26 वीक्स ऑफ पेड हॉलीडे। सो इसीलिए वो लोग थोड़ा रिलक्टेंट हैं एम्प्लॉय करने के लिए, थोड़ा सा हिचक रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर हम वुमेन एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे तो हमें जब वुमेन प्रेग्नेंट होगी तो हमें 26 वीक का पेड हॉलीडे पे करना पड़ेगा। ओके, और therefore the extended maternity leave has become a deterrent for female employees who are asked to quit or retrenched on flimsy ground before they go on maternity leave। so ये जो increase मिला है 12 weeks से 26 weeks के लिए ये कई कई women employees के लिए उनको expel कर दिया जा रहा है उनके job से अगर वो pregnancy के ground पे leave की demand करती हैं कि हमें 26 weeks की paid holiday चाहिए तो उनको expel कर दिया जा रहा है private entities के द्वारा। सो एक concern है जो government को admit करना चाहिए और government को resolve करना चाहिए। ओके, तो हमने क्या देखा इसमें, तो जो हमारा मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 है इसने अमेंड किया है द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 और ये क्या प्रोवाइड करता है, 26 वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव फॉर द फर्स्ट टू चिल्ड्रेन, पहले दो चिल्ड्रेन के लिए 26 वीक्स की पेड हॉलीडे मिलेगी, और अगर थर्ड चिल्ड्रेन आपको होता है तो 12 वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव फॉर चिल्ड्रेन बियॉन्ड द फर्स्ट टू। इनके अलावा अगर आप एडॉप्ट करते हैं चाइल्ड को तब भी आपको 12 वीक्स ऑफ लीव फॉर मदर्स एडॉप्टिंग अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 3 मंथ। ओके, और द एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयर्स इन एस्टेब्लिशमेंट विद 30 वुमेन आर 50 एम्प्लॉयज विच एवर इज लेस टू प्रोवाइड क्रेच फैसिलिटीज आइदर इन ऑफिस आर इन एनी प्लेस विद इन 50 मीटर्स। सो ये जो हमारा मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 है ये मैंडेट करता है सभी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को जिसमें 30 वुमेन्स काम करती हों या 50 एम्प्लॉयज हों जो भी लेस हो। ओके, सो वहाँ पे हमें क्रेचे फैसिलिटी मतलब क्या होता है, जहाँ पे बच्चों की देखभाल हो सके जब महिलाएं अपना रोजगार या अपना काम कर रही हैं डे टाइम में, सो दे कैन कीप देयर चिल्ड्रेन इन दीज क्रेच फैसिलिटीज सो दैट देयर चिल्ड्रेन कैन बी टेकन केयर ऑफ, और वर्किंग मदर विल बी परमिटेड टू मेक 4 विजिट्स ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स टू द क्रेचे। सो और ये भी इंपॉर्टेंट है कि वर्किंग मदर्स को 4 विजिट्स की परमिट होगी टू विजिट देयर चिल्ड्रेन इन डे। ओके, इन वर्किंग आवर।
और द एम्प्लॉयर में परमिट अ वूमेन टू वर्क फ्रॉम होम इफ इट इज पॉसिबल टू डू सो, और एम्प्लॉयर वूमेन को वर्क फ्रॉम होम की भी फैसिलिटी दे सकता है, और एवरी एस्टेब्लिशमेंट विल हैव टू मेक दिस बेनिफिट्स अवेलेबल फ्रॉम द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, और ये बेनिफिट्स जब से अपॉइंट किया जाएगा तब से अवेलेबल होंगे. ओके, सो हमने क्या देखा कि जो मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 है वो अमेंड करता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961. इसमें 26 वीक की मैटरनिटी लीव मिलेगी फर्स्ट टू चिल्ड्रंस के लिए, 12 वीक्स की मैटरनिटी लीव मिलेगी थर्ड चिल्ड्रन के लिए. अगर आप अडॉप्ट करते हैं चाइल्ड विच इज बिलो द एज ऑफ 3 मंथ तो उसके लिए आपको 12 वीक्स की लीव मिलेगी. दूसरी बात, अगर आपके पास 30 वुमेन्स हैं आपके इस्टेब्लिशमेंट में या 50 इंप्लॉयज़ हैं, विच एवर इज़ लेस, तो आपको क्रेचे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होंगी. आप ऑफिस में प्रोवाइड कर सकते हैं या एनी प्लेस विद इन 500 मीटर्स के रेंज में. और वर्किंग मदर्स को 4 विजिट्स की परमिशन होगी टू विजिट क्रेचे फैसिलिटीज़ ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स. और एम्प्लॉयर चाहे तो अपने एम्प्लॉय को, वुमेन एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज़ भी इस दौरान दे सकता है. और एवरी एस्टेब्लिशमेंट विल हैव टू मेक दिस बेनिफिट्स अवेलेबल फ्रॉम द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 विच वॉज रिसेंटली अमेंडेड इन मैटरनिटी बेनिफिट थ्रू मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017. दिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेन्स एग्जामिनेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे.